अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। भारत में एक से बढ़कर एक अधिकारी हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन में खूब नाम कमाए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अफसर की कहानी बताते हैं जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने प्रधानमंत्री के मुंह से बिस्किट यह कहते हुए खींच लिया कि प्रधानमंत्री को बिना जांच के कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। ये अफसर थे टीएन शेषन, वही शेषन जिनसे लालू से लेकर नरसिम्हा राव और वाजपेयी से लेकर अडवाणी तक थर्राते थे। वे शेषन ही थे जिन्होंने चुनाव आयोग को इज्जत दिलवाई और नेताओं में आयोग का भय पैदा किया। किस्सा कुछ यूं हुआ है कि चुनाव आयोग बनने से पहले राजीव गांधी सरकार में वे आंतरिक सुरक्षा सचिव थे, उन्हीं के जिम्मे प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भार था। एक दिन राजीव गांधी बिना जांच बिस्किट खा रहे थे, उसी समय टीएन शेषन वहां पहुंच गए और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह में दबा बिस्किट वापस खींच लिया। शेषन ने कहा कि बिना जांच प्रधानमंत्री को कोई भी चीज खाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। शेषन ने चुनाव में पानी की तरह बहाए जाने वाला धन रोका और प्रत्याशियों को कई तरह की जानकारी देने के लिए बाध्य किया ताकि जनता साफ सुथरा सांसद और विधायक चुन सके। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।